I hope you all will be fine. So we are solving exercise 3.4. So let's continue from question number 2. In this exercise we will use elimination method. Okay? Sorry, we are using elimination method. So let's continue from question number 2. From the pair of linear equation in the following problems and find their solutions by the elimination method. तो जैसे substitution method में ये आपको दिए हुए थे problems है ना, वैसे ही आपको problems इसमें दिए हुए हैं. Question भी same है, equation बनाने हैं आपको और उसके बाद elimination method से इसे solve करना है. ठीक है, तो चलिए इसका first ही बता देती हूँ मैं आप लोगों को. तो फर्स्ट दिया है, इफ वी एड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डेनोमिनेटर, अ फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1. जो फ्रैक्शन है वो उसमें एक कम हो जाता है. ठीक है, फ्रैक्शन की बात हो रही है यहाँ पर, है ना. तो x अपॉन y लेना पड़ेगा हमको. ठीक है, इट बिकम्स 1 अपॉन 2 इफ वी ओनली एड 1 टू द डेनोमिनेटर, व्हाट इज द फ्रैक्शन. ओके, so let's start. See, according to question number 2 का first number हम लेंगे, है ना, first number solve कर रहे हैं. तो question बोल रहा है, if we add 1 to the numerator and subtract 1 from the denominator, इसका मतलब यहाँ fraction की बात हो रही है ना. तो fraction के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले consider करेंगे, है ना, या imagine करेंगे. okay, कि लेट द न्यूमरेटर एंड डेनोमिनेटर ऑफ आर रिक्वायर्ड फ्रैक्शन, लेट द न्यूमरेटर एंड द डेनोमिनेटर ऑफ द रिक्वायर्ड फ्रैक्शन, है ना. क्या क्या मान लिया, x एंड y, देन द फ्रैक्शन विल बी, फ्रैक्शन क्या होगा हमारा, x एंड x अपॉन y होगा. ओके, now according to question के according ये दिया है कि if we add x upon y, fraction दिया हुआ है, if we add 1 to the numerator and subtract 1 from the denominator, a fraction reduces to 1. okay, अब इसको solve करो तो देखो क्या आएगा. ये यहाँ डिवाइड में है, यहाँ जाएगा तो इनटू में हो जाएगा, x प्लस 1 इक्वल y माइनस 1 हो जाएगा, है ना. और इसको हम क्या लिख सकते हैं, x ये माइनस y, y यहाँ आएगा तो माइनस y, है ना, और 1 वहां गया तो माइनस 1, मतलब क्या हो जाएगा, माइनस 2. ठीक है, ये देखिए यहाँ माइनस 1 था, ये प्लस 1 वहां जाएगा तो माइनस 1 हुआ, तो माइनस 1 और माइनस 1 कितना हो गया, माइनस 2. ये मिल गया एक इक्वेशन. ठीक है, सेकेंड इक्वेशन के लिए क्या बोल रहा है ये, कि इट बिकम्स 1 अपॉन 2 हो जाएगा, 1 अपॉन 2 इफ फ्रैक्शन में ही, इफ वी एड 1 टू द डेनोमिनेटर, डेनोमिनेटर में 1 ऐड किया जाए ओनली, है ना, सिर्फ डेनोमिनेटर में, न्यूमरेटर में नहीं. अब इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करें तो देखिए क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया तो ये हुआ 2x, y प्लस 1 का 1 से हुआ तो ये उतना ही आएगा. नाउ 2x और लिख दें यहाँ हम, 2x y यहाँ आया तो माइनस y इक्वल ये है बना आपका, दो इक्वेशन मिल गए यहाँ पर. ठीक है, अब दोनों इक्वेशन को यहाँ नीचे लिखें, देखिए x माइनस y इक्वल माइनस 2 एंड 2x माइनस y इक्वल 1. ठीक है, ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट, ये हुआ इक्वेशन 2. ठीक है, अब देखें यहां पर भी टर्म एलिमिनेट करना है तो ये एक सा दिख रहा है पर साइन भी इनके सेम है, तो हम क्या करेंगे इसमें, इसको हम करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे. ठीक है, सब्ट्रैक्ट ऑन सब्ट्रैक्टिंग, यहां लिख देते हैं ऑन सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन 1 टू इक्वेशन 2. ठीक है, इक्वेशन 1 से हम 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा, देखें साइन चेंज होंगे, ये माइनस, ये हो जाएगा प्लस,
और ये हो जाएगा माइनस। तो ये देखिए माइनस वाई और प्लस वाई कैंसिल, एक्स माइनस टू एक्स क्या हुआ माइनस एक्स इक्वल माइनस टू और माइनस वन माइनस थ्री, माइनस से माइनस कैंसिल, एक्स इक्वल हमें क्या मिल गया थ्री। ठीक है, नाउ पुट द वैल्यू ऑफ, पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन, वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन वन में रख देते हैं। तो वन फर्स्ट इक्वेशन क्या है आपका, एक्स माइनस वाई इक्वल माइनस टू, एक्स की वैल्यू कितनी आई थ्री, माइनस वाई इक्वल माइनस टू, देन माइनस वाई इक्वल माइनस टू, प्लस थ्री है वहां गया तो माइनस थ्री, माइनस वाई इक्वल माइनस फाइव, ये वाई से वाई कैंसिल, वो माइनस से माइनस कैंसिल, वाई की वैल्यू हमें कितनी मिल गई फाइव मिल गई। ठीक है, तो हमारा फ्रैक्शन क्या होगा, दस द रिक्वायर्ड फ्रैक्शन, रिक्वायर्ड फ्रैक्शन इज एक्स अपॉन वाई, एक्स कितना मिला थ्री मिला और अपॉन वाई फाइव मिला। ठीक है, ये हो गया आपका आंसर। तो ऐसे ही क्वेश्चन नंबर टू के बाकी क्वेश्चन भी आप करने की कोशिश करेंगे, और अगर नहीं बनता है तो डाउट क्लास अपने स्कूल में लग रही है ना, स्कूल में डाउट क्लास लगी रही है, तो वो आप आकर यहाँ पर पूछ सकते हैं। ओके।